Sir, actually, I had asked the team to shift the timings, and I thought that my class was from 5:30. What is the time right now? It's 5, but I joined. It's fine. No, I said it's 5:15, so I didn't know it अच्छा, was the 5:30 करने के लिए कहा है आपने पूर से? अच्छा, No, 6:30, but at 6:30 I have another class. नहीं, गिव मी सेकंड. व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइमिंग ऑफ योर क्लास? ओरिजिनल Five. टाइमिंग इज, अच्छा, It's five. ओरिजिनल टाइमिंग इज 5. वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from UP. अरे नहीं, अभी कहाँ रहती हैं आप? अभी I'm in Saudi Arabia. सऊदी. सो आपकी क्लास का ओरिजिनल टाइमिंग तो 4 o'clock है ना, 4 PM? अच्छा, No, it's the link that was sent to me was for 5 p.m. आज का नहीं बोल रहे हैं आपने, तो ये चेंज कराया राइट? लास्ट 4 PM वाज द ओरिजिनल टाइमिंग राइट? माइक ऑन रखें प्लीज, माइक ऑफ करने की क्या जरूरत है, आप बात ही कर रहे हैं ना आपसे. हाँ, सो 4 PM इज द ओरिजिनल टाइमिंग करेक्ट? Yes, but I had asked them to हाँ change. हाँ ठीक, हाँ ए हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, हम सब लिखें. और आपके लिए आइडियल टाइम कौन सा होगा? 6:30, but then I also have math class today, that's why. तो 6:30 आइडियल टाइम नहीं हुआ ना फिर तो? यू So कांट बी प्रेजेंट एट टू क्लासेस. I have other classes as well. So it's really hectic schedule. So I'll try to join early next time. नहीं, आपको तो देखिए टाइम तो 5:30 आप जो कह रहे हो वो हो नहीं सकता है. कुछ इसका उपाय निकाल जाइए. हाँ, तो ज्वाइन, देखिए देर आर टू बैचेस, 4 PM से 5, दिस इज के से टाइम है ना, दिस इज के से टाइम. ठीक है, यूएई वाले अगर कोई है तो भाई प्लीज घबराए ना, दिस इज 4 PM टू 5:30, दिस इज के से टाइम. और दूसरा बैच जो आपके पास लेने में चलेगा दैट इज फ्रॉम 6:30 PM टू 8 PM. ठीक है, नाउ इट्स नॉट, आपको चॉइस जनरली नहीं रहेगा बिकॉज यू आर लेट इन द बैचेस. आपकी अभी तो चॉइस नहीं मिलेगी आपको बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्लॉट्स आर फिल्ड राइट. तो जैसे मेरा मंडे को आपके साथ है फर्स्ट बैच, ठीक है, मंडे फर्स्ट बैच सेकेंड बैच बोथ आर फिल्ड, ट्यूजडे में फर्स्ट बैच सेकेंड बैच बोथ आर फिल्ड. ठीक है, दैट मीन्स मंडे वेंसडे हो जाएगा, ये मंडे एंड वेंसडे वाला, ट्यूजडे एंड थर्सडे वाला. देन यू हैव सैटरडे एंड संडे. सैटरडे संडे में फर्स्ट बैच इज ऑलरेडी फिल्ड, सेकंड बैच अभी फिल नहीं हुआ है. ठीक है, तो आइदर ये हो सकता है कि आप इस टाइमिंग में आप ये पूरे बैच को शिफ्ट किया जाए, दैट कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन, और अदर पॉसिबल, बट अगेन दैट विल बी मच हेक्टिक बिकॉज सारे क्लासेस की टाइमिंग देखनी पड़ जाएंगी. ठीक है, ये एक स्लॉट बचता है. नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम, 4 PM में क्या प्रॉब्लम है इंशा? Sir, I come from school really late. टाइम बताइए, लेट का तो बहुत मतलब सब्जेक्टिव टर्म हो गया, Around टाइम बताइए. 3:30 and connecting immediately is not possible. 3:30 PM स्कूल Yes. से आप आ जाती हैं? आ जाती है ना, ठीक Yes. है, तो 4 बजे ज्वाइन कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कर सकते क्या? Sir, it's not possible. नहीं, ऐसा तो नहीं, पॉसिबल वाला बात तो नहीं है, मतलब इट्स अनकंफर्टेबल, इट्स डिफिकल्ट, ठीक है ना, ये बातें हो सकती हैं. इट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल तो है ना इंशा? अच्छा, नहीं सर, आई हैव अदर क्लासेस ऑल्सो, लाइक ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे आई हैव कुरान क्लास, सो ठीक इट है, आराम आराम. हाँ ठीक है, ठीक है, आराम आराम. तो मंडे मंडे वेंसडे की बात करते हैं पहले, क्लियर? देखिए ऐसा नहीं ना, इसका सोल्यूशन कुछ निकल जाएगा इंशा, ठीक है ना, मंडे एंड वेंसडे इसकी बात करें आप. चलिए मान लेते हैं आपको, है ना, मान लेते हैं आपने ऐसे बिल्कुल रोध हो के सर में दर्द है फिर भी मतलब चाय वाय पी के जो भी आप पीते हैं, ठीक है, आपने 4 PM को ज्वाइन कर लिया, 4 PM से लेके 5:30 PM तक यू आर विथ मी फॉर केमिस्ट्री क्लासेस. उसके बाद क्या होता है आपका आफ्टर दिस? देन 6:30 आवर मैथ क्लास. 6:30, तो 1 घंटे का गैप, तो मतलब ठीक ठाक है गैप. 6:30 टू एट पी एम यूल बी हाँ हैविंग मैथ क्लास राइट? हाँ,
8 PM यू विल बी हैविंग मैथ्स क्लास। उसके बाद देन आई हैव अनदर क्लास बट इट्स फ्रॉम 7, तो आई हैव टू एडजस्ट दोस टाइमिंग्स. विच क्लास? सर आई हैव कुरान क्लास एंड एक्स्ट्रा स्कूल क्लासेस. एक्स्ट्रा स्कूल क्लास? ये तो सब ठीक है, कुरान क्लास है आपकी या ऑनलाइन? ऑनलाइन स्कूल क्लासेस आल्सो. ये कौन सा ऑनलाइन स्कूल? दो दो स्कूल जाती हैं क्या आप? नहीं, सम ऑफ द टीचर्स आर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस टू कवर पोर्शन. कैन यू लीव दोस क्लासेस? सर अटेंडेंस. आप लोग के पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं कि तुम लोग 7 घंटा तो मेरे बच्चे को रखते ही रखते हो स्कूल में, घर में आने के बाद भी आप लोग को सुकून नहीं मिलता है? कुछ लोग पेरेंट्स नहीं बोलते आप लोग के? दे सर दे लाइक इट. लाइक इट? यस, अरे दे जस्ट टू बी बिजी. वांट अस टू बी बिजी। भाई पढ़ाई आप खुद से करने का तो टाइम दिया जाए बच्चों को कि खुद से पढ़े सब। दैट्स द प्रॉब्लम. आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू सेल्फ स्टडी. और उसके अलावा कुछ हो ही नहीं पाएगा विदाउट सेल्फ स्टडी। तो आप मतलब लर्निंग तो वही होती है ना कि मतलब आप अटके फिर आप सीखे, लर्निंग दैट्स तो वही है ना। या दे आर हैप्पी, दे वांट टू सी, मतलब दे सर, जस्ट दे आर वांट टू सी। एक्सट्रीमली हैप्पी सर. द मोर वी आर बिजी, द मोर वी आर ऑलवेज इन टू स्टडिंग, लाइक नॉट इवन सेल्फ स्टडी. एनी दे जस्ट वॉन्ट अस टू सी स्टडी. मतलब दे डोंट वॉन्ट अस टू रेस्ट. मतलब कोई और उनको देखना ही नहीं और कुछ करते हुए. बिल्कुल गुस्सा है। सर दे हैव द ऑडासिटी टू सी अस ऑन द फेस ऑल्सो. मतलब लाइक एक चीज होती है, इफ यू जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ, लाइक चलो बोलेंगे तो शायद बुरा लग जाए. नो, दे विल कम एंड से ओपनली क्या कि आई लाइक सीइंग यू स्टडिंग ऑलवेज, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड. नो सर, माय पेरेंट्स आर सपोर्टिव बट द थिंग इज आई नीड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी आल्सो, राइट? हाउ विल आई स्टडी लाइक दैट इफ देयर इज नो टाइम विद ऑल द क्लासेस? बात तो मतलब दिस इज कंप्लीटली ट्रू। लाइक अगर आपके पास ठीक है तो क्या किया जाए, लेकिन कहाँ करती हैं आप कुरान क्लास? कुरान क्लास भी ऑनलाइन है? अच्छा नहीं, वो ऑफलाइन होती है. सर कुरान क्लास ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन आई थिंक को एडजस्ट किया जाता था, आपको कोई पढ़ाने अगर आता है तो उनको, या फिर वो भी बहुत बिजी है, नहीं, इट्स एन इंस्टीट्यूट, आई हैव टू गो देयर. यू हैव टू गो देयर। बढ़िया था आप लोग इंडिया में रह रहे थे, घूमने फिरने का टाइम मिल जाता आप लोग को। ओ डियर, ना, फिर इंडिया मैं तो आने घूमने के बाद की नहीं वो भी है, पसंद नहीं आता. इंडिया आने के बाद वो भी मरियम पसंद नहीं आता. यस सर. आपको आज ही आपको डांट मिली है क्या? रिजल्ट रिजल्ट आया क्या आज? पेपर मिले टेस्ट के? क्या हुआ है आज? नहीं सर, नहीं, वो एक्चुअली सो रही थी स्कूल से आके, वो मैंने जगा दिया. उठो, क्लास है क्लास है. पेपर खत्म हुए थे ना, तो आई वांटेड सम गुड स्लीप. क्लास तो देखिए करनी है, ठीक है? आपके स्कूल में भी होता है क्या एक्स्ट्रा क्लास? यस सर. तो इज इट ऑनेस्टली स्पीकिंग बाय द वे, इज इट यूजफुल स्कूल की जो क्लासेस होती हैं? लाइक सम सम नो स्कूल्स दे आर सर, रियली गुड, आई जस्ट नो। फॉर अटेंडेंस. मोस्टली दे आर जस्ट डूइंग इट टू द पोर्शन एंड दे मेक अस डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड स्टफ. एंड लाइक इज इट मतलब एंगेजिंग होती है क्लास? टीचर आपका नाम लेते हैं, आपको कुछ बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है? कैमरा यस वगैरह एंड ऑन करना बैठना पड़ता है? अच्छा यस एंड द थिंग इज कि इट्स नॉट लाइक कंपल्सरी क्लासेस. दे जस्ट रैंडमली कीप समटाइम्स सम ऑफ द टीचर्स, इफ दे मिस्ड क्लास इन स्कूल देन दे विल कीप इट ऑनलाइन, बट मोस्टली होती है. और चलिए ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है आपका इंशाल्लाह। ये आपका 6:30 7 PM से आपकी आप स्कूल क्लासेस, राइट? यस, पता नहीं कब तक, जो भी जब चलता हो स्कूल, मोस्टली जस्ट 1 आवर. 7 to 8 PM। अभी भाई आप लोग बोलो यार स्कूल में जाने क्या ही है यार, इस तरह से तो है। ठीक है इंशाल्लाह कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा आपके लिए, बट आई थिंक मंडे वेंसडे कुड बी डन।
कुरान क्लास आपने कब कहा, कब होती है? तो ट्यूजडे थर्सडे होती है, राइट? कुरान क्लासेस, राइट? इट इज ऑन यस टीटी, ट्यूजडे यस थर्सडे। तो मंडे वेंसडे को आप कर सकते हैं। मेरे क्लास 4 PM to 5:30, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, आई होप सो। एंड देखिए, कोशिश की, देखिए जस्ट 1 ईयर तक, तो बाद 12th में आ गई आप लोग, है ना? तो थोड़ा ना थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है? बट मेरे कहने का मतलब ये कि मजदूरी ना करें आप लोग, है ना? यू डोंट हैव टू बी लाइक, यू डोंट हैव टू बी लाइक बॉन्डेड लेबर टाइप के, कि बस पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, कुछ लर्निंग होनी चाहिए, एंड उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस आपको करना पड़े, तो होपफुली आपको भी उससे प्रॉब्लम ना हो, है ना? ऐसा नहीं कि आपको दिन भर पढ़ना है, बट आई वुड रियली से दैट कि प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया है, तो भले ही आप थोड़ा कम सोए, लेकिन यू शुड बी, आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो है ना कि स्ट्रेस पढ़ाई की, या किसी भी काम का स्ट्रेस होगा। अब थोड़ा इस चीज को सोचिएगा कि मान लीजिए हमने ना साल भर उतना सिलेबस नहीं कंप्लीट कराया, मंथली टारगेट्स होते हैं सिलेबस के वो हमने कंप्लीट नहीं किए, वीकली टारगेट्स होते हैं सिलेबस के वो हमने कंप्लीट नहीं किए, ठीक है? वैसा नहीं कि हमको लर्निंग को देना पड़ता है, लेकिन अपने हिसाब से रहता है कि इसकी कम ये खत्म करेंगे, फिर ये खत्म करेंगे, फिर ये खत्म करेंगे, ऐसे ऐसे मंथ में ये खत्म करेंगे, फिर सिलेबस सब खत्म हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि हमने वहां वीकली सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली आई एम बीइंग अ बिट लेजी, क्लास में हम कम पढ़ा रहे हैं, जल्दी हम क्लास खत्म कर दे रहे हैं, इस तरह की चीजें होंगी, राइट? अब ये बताइए, इस टाइम हम क्लास कम कर रहे हैं, आई एम वर्किंग लेस, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा है, क्या ख्याल है इस बारे में? क्योंकि चीजें कंप्लीट नहीं हो रही है, मेक सेंस? बन गई इस बात की? आई एम वर्किंग लेस, या फिर आपके जैसे चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि आपने क्लास एब्सेंट किया, यहाँ वर्क लेस लेकिन स्ट्रेस ज्यादा है, सही है ना? आप समझ में आ रही है आप लोग? ठीक है, आप लेकिन उसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए। आप रेगुलरली क्लास जा रहे हैं, आपका काम तो कंप्लीट है ना? आप और सिंपल कर लेते हैं ना, आपने दिन भर के 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, ईशा जब आप टाइम से पढ़ लेते हैं तो कितना सुकून रहता है, हाँ या ना? यस सर ईशा जब आप यस लोग टाइम से पढ़ लेते हैं ना, बिल्कुल सुकून रहता है, अरे मस्त आराम से बैठे हैं बिल्कुल अब तो, ठीक है? लेकिन वही अगर मान लीजिए खाना वाना खा लिया है, भूल गए आप, ईशा पढ़ना था आपको, कुछ काम आ गया, और लेकिन कुछ फ्लो बना हुआ है कि आपको डाइनिंग मतलब डिनर इस टाइम पे करना है, सबके साथ करना, बैठ के आपने डिनर कर लिया, अब उसके बाद अब जा रहे हैं आप शायद सोने, याद आया आपको, अरे यार ईशा नहीं पढ़ाया मुझे, तो सर, मैंने भी प्लीज असर अंडरस्टैंड। नहीं पढ़ी अभी। अरे भाई तो ठीक है, हालिक में सो क्यों रहते हैं आप, सो रहते हैं आप तो? मुझे लगा था आज क्लास 6:30 या फिर ऐसे कुछ होगी, तो 6:40 अजान होती है, मैं लगा था आराम से उठ के पढ़ लूंगी। अच्छा ठीक है, हम ये कहने कहना चाह रहे हैं कि देखिए, व्हेन यू डोंट वर्क ना, तब स्ट्रेस ज्यादा होता है ना? बात सही है ना, कि जब आप काम नहीं करते हैं तब स्ट्रेस ज्यादा होता है, काम करने से स्ट्रेस नहीं होता है। ये मतलब दिस इज काइंड ऑफ वेरी पैराडॉक्सिकल, लोग अक्सर सोचते हैं कि सर काम का डायरेक्टली स्ट्रेस नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, हाँ, लेकिन जितना काम आप नहीं करेंगे, है ना, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो ये नहीं कि काम काम का बोझ रहेगा, अब आपको डेली मतलब हर चीज मैनेजेबल है, 4:30 to 5:30 PM आप कर सकती हैं। अच्छा इनसे एक और चीज बताइए आप, लाइक डू यू हैव अ वेरी लॉन्ग रूट टू द स्कूल? यस आई डू। तो ट्राई टू स्लीप इन दैट रूट, श्योर आई सर। अंडरस्टैंड, कि आपके साथियां साथ में होते होंगे, है ना? यू विल हैव फ्रेंड्स विथ यू, तो मतलब मन नहीं करता ऐसे, किसको मन करेगा सोने का, है ना? आई रियली आई डिड नॉट हैव दिस प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ स्कूल बस, एंड क्या बोलते हैं, हैविंग अ वेरी लॉन्ग रूट। हम ये नहीं करें कि हम नदी पार करके जाते थे पढ़ने के लिए, बट ये बहुत नजदीक था स्कूल, ठीक है? उसको बहुत ज्यादा लंबा रूट नहीं था, 15 मिनट में हम पहुंच जाते थे। सो एंड ऑल्सो ऑब्वियसली इट वॉज नॉट अ बस, लाइक यू हैव टू टेक द फेरी टाइप का समझ लीजिए, जो 1 पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको लेके जाता है, बीच में स्कूल पड़ता था मेरा। तो आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई हैव सीन पीपल हु आर इन बस एंड प्लेइंग एंड हैविंग फन टाइम। तो आप या तो उसी चीज को, ये जो आपका लॉन्ग रूट है, उसी को आप एज अ रेस्ट मान लीजिए, या फिर आप उसमें सो जाया करें, है ना? आपको कुछ चेंज लानी पड़ेंगी चीजों के, है ना? यू हैव टू लाइक सैक्रिफाइस अप टू थिंग। देखिए थोड़ा आप कोशिश कीजिए इंशा, दिस 4 PM to 5:30 PM दिस इज कंप्लीटली डूएबल, ठीक ओके सर। है ना? ये कंप्लीटली डूएबल है। आप समझिए तो चीज को, मतलब आपके पापा आ रहे हैं,
आधे घंटे बाद कभी कभी वो कहीं और निकल भी जाते होंगे ऑफिस के बाद, होता है ऐसा यस है ना? तो डूएबल है, ऑफिस में तो और काम करना पड़ता है ना आपको, तो वहां पे जाके सिर्फ इनपुट लेना है, मतलब पढ़ाई करनी है आपको, दी जा रही है चीज, वर्क का प्रेशर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि वो ज्यादा ही होता है, पढ़ाई से ज्यादा होता है, ठीक है? वर्क में जो इन्वायरमेंट होता है, इवन द आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स आर मोर देन द स्कूल आवर्स, ठीक है? तो ये डूएबल है, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करें खुद से कि नहीं ये कर सकते हैं, एंड लाइक होपफुली आप लोग को, मतलब बच्चे को क्या नहीं बता रहता है, एक चीज होती है ना, क्या बोलते हैं आप लोग, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन बोलते नहीं, क्या बोलते हैं यस उसको, नहीं मैनिफेस्टेशन तो वो होता है ना, आप लोग ऐसे करके ये मिल जाए हमको, मतलब दुआ की दूसरी शक्ल है, जेंजी के लिए दुआ यही है ना, दुआ मांगते तो वही हो गया, आया ना राइट, दुआ मांगना तो वही हो गया ना, अच्छे से दुआ मांगेंगे। देयर इज अनदर यस वर्ड दैट इज, आप खुद को बोलिए दैट इज, दिस इज डूएबल, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ कुछ तो बोलते, पता नहीं क्या 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 फ्रेज आपको जानी का ना, खुद से कहिए कि नहीं आई कैन अटेंड दी क्लास ऑन 4 PM, आई कैन अटेंड दी क्लास ऑन 4 PM, आई कैन अटेंड दी क्लास ऑन 4 PM, इंशाल्लाह हो जाएंगी चीजें, ठीक है? चलिए आज का टाइम तो हमने बहुत ज्यादा इसी चीज पे ले लिया, अभी तक तो बस दो ही तीन बच्चे हैं, आमना, इंशा, मरियम। मरियम का अभी, मरियम ने कुछ बताया नहीं लेकिन मरियम से बहुत सारी चीजें पता चल गई है ना इंशा के साथ साथ। मरियम लोहानी, यू टेल मी, आप भी लेट रहती हैं? सर वो कनेक्शंस में इश्यू रह रहे हैं थोड़े जूम पे, तो आई हैव टू स्विच डिवाइसेस. तो थोड़ा पहले ट्राई करें ना कि मतलब 5 मिनट पहले से आप ज्वाइन करने की कोशिश करें, जी सर, आज सर मैं ये वाली डिवाइस यूज करूंगी, दूसरा लैपटॉप है ये अब. इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो होपफुली आप लोग, आप ठीक है, मरियम आप कुछ बोलना चाह रहे थे शायद, मरियम बतूर, नहीं सर, आई वाज जस्ट सेइंग, आई सेड दैट व्हाई आई वाज लेट. हाँ आप सो रहे थे ना? यस सर. हाँ ठीक है, चलिए नॉट अ प्रॉब्लम। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था दादा, देख लीजिए एक बार, मोस्ट हाफ एन आवर इज गॉन, आज की क्लास छोटी हो जाएगी। इंशा आई विल इन्फॉर्म द टीम दैट मतलब आप करेंगी कोशिश 4 PM वाले क्लास ज्वाइन करने की, ठीक है ना इंशा? ओके सर. ठीक है, होपफुली विल मेक इट वर्क, है ना? डोंट वरी, आप आराम से रहें, ठीक है ना? और खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करें, तबियत तो अगर अगर आप लोग ठीक नहीं रहती है, वहाँ के बच्चों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हमने देखा है लास्ट ईयर्स में, विटामिन डी की कमी, एनीवन हैज बीन डायग्नोस्ड विटामिन डिफिशियंसी, Everyone has it over here. It's very एवरीवन common. हैज Sir, इट ओवर। everyone, because we barely get exposed to the sunlight, sir. करेक्ट, Unless it's very high temperatures, we don't get exposed to any sunlight. आई Sir, it's 45-46 here at night. अंडरस्टैंड, इसलिए आप लोग दिन भर एसी में रहते हैं। Yes. Sir, no, this is not the regular timing of the class, 5 PM. नो दिस नॉट, ये आपके लिए क्या गया था? Oh my God, thank you. हाँ रेगुलर टाइमिंग इज दिस 4 PM to 5:30, ठीक अच्छा है? ओके, हाँ ट्राई टू जॉइन. ठीक है, विटामिन डी देखिए पता नहीं कैसे होगा, लेकिन धूप में हम तो ऐसे खड़ा रहने बोल देते हैं बच्चों को, बट आई डोंट नो हाउ ड्यूरेबल इट इज राइट नाउ, लेकिन स्कूल की असेंबली भी आप लोग की शायद ग्राउंड में नहीं होती है राइट, सर्दियों में होती है तो सर्दी होती है। हमारे व्हाट तो गर्मी अबाउट, में भी होती है, और बेहोश भी होते हैं वहीं पे खड़े खड़े बच्चे. मुझे मिजारी बहुत डिस्टर्ब है, ओके ठीक है। लाइक व्हाट अबाउट अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, एक और चीज आप लोग के आना जो काफी खराब है, आई डोंट नो आप लोग के अंदर है या नहीं, मतलब गर्ल्स में हमने बच्चों को देखा, दे हैव टेंडेंसी टू स्लीप वेरी लेट, वेरी लेट, यस मतलब यस यस बहुत ज्यादा यस है। एक तो ये रमजान में तो बिल्कुल आप लोग उल्टा हो जाते हैं, मतलब फजर के बाद आप लोग सहरी करके सोते हैं राइट, मतलब आपको फजर, यस यस सर. दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, मतलब इस वजह से भी अगर आप लोग को मॉर्निंग सनलाइट मिल जाएगी तो मॉर्निंग सनलाइट विल बी बेरेबल राइट, जो मतलब जस्ट सनराइज के बाद जो सन होता है वो काफी बेरेबल होता है, क्या ख्याल है? नहीं पता ही नहीं होगा, उगता सूरज आप लोग ने देखा ही नहीं होगा कभी, उगता सूरज देखा आप नो लोगों नो सर, देखा ने? इंशा है देखा है. देखा है आपने,
ठीक है, तो कभी सुबह उठिए तो आप लोगों को पता चले कि हाँ सुबह भी सूरज निकलती है। आप लोग तो देखते हैं मतलब सुबह जब सूरज बिल्कुल ऊपर हो जाता है, ठीक है, आई थिंक मॉर्निंग सनलाइट अगर आप लोग लेंगे देन इट विल बी क्वाइट बेरेबल, है ना। विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है एंड व्हाट नो मैटर हाउ मच टैबलेट्स यू टेक, इट्स नॉट गोइंग टू बी इक्विवेलेंट फ्रॉम व्हाट यू गेट और व्हाट गेट्स एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द सनलाइट, ठीक है। मतलब उसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है। यू कैन pop as many pills as you want, that will not equate the amount of vitamin D that is generated when you get it, not get it, but when it get activated by the sunlight, ठीक है। तो सुबह आप लोग थोड़ा कोशिश करें, कोशिश ही कर सकते हैं आप लोग, है ना, क्या कर सकते हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, है ना, कि सेहत आप लोग ठीक रहे, दुआ ये भी सेहत ठीक रहे। आप लोग बीमार पड़ेंगे तो एक आदमी अफेक्ट यस होगा, हम सर, बीमार पड़ेंगे तो किसी बैच में भी 4-5 आदमी है, लेकिन हम तो अपना ख्याल रखते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट डू यू नो व्हाट इज ब्लैक सीज, कलौंजी मंगरेला, पता है आपको कलौंजी यस मंगरेला? हाँ, यस सर, उसको खाइए, ठीक है, मेक इट अ हैबिट टू ईट इट डेली, ओके। नो इट्स वेरी चीप थिंग लेकिन इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ, मतलब इससे आपका ऐसा वेट लॉस होगा वो नहीं कह रहे, बट इन जनरल आप ना ठीक रहेंगे, लाइक 5, 6, 7, 8, 10 दाने जो भी है डेली कोशिश करिए उसको खाइएगा। एक करीम सल्लम की हदीस है कि उसके अंदर मतलब जो मंगरेला या फिर कलौंजी के अंदर मौत के अलावा हर एक चीज का शिफा है, ठीक है। एंड आई हैव बीन हम तो बहुत ट्राई किया हमने एंड इट हैज बीन रियली बेनिफिशियल। उनको थोड़ी से थोड़ा सा भी कुछ होता है, इवन फॉर दैट मैटर मोशन सिकनेस जो होता है, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को होता है, जब आप गाड़ी में बैठते हैं एसी चलती है तो, और गाड़ी जब चलती है तो सम पीपल दे tend to vomit, so I have seen it control that also. जो मेरी बहन को होता था, फिर हम उसको मंगरेला कलौंजी खिला के बैठाने लगे, सबसे उसका ठीक हो गया। बहुत बातें हो गई आज, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, क्लियर यस स्टार्ट। सर, रॉल्स लॉ हम लोगों ने किया था एंड टुडे वी विल बी डूइंग जस्ट न्यूमेरिकल्स। हमने सोचा था कि डेविएशन से रॉल्स लॉ करते हैं लेकिन आई थिंक न्यूमेरिकल्स ही कर पाएंगे आज, बिकॉज एक तो अच्छा आपका क्लास शॉर्ट हो गया। ठीक सर नेक्स्ट क्वेश्चन हैव बीन एन ऑफ या टेल मी। सर विल द क्लास हाँ एंड हाँ बाय बताइए। 6:30 बिकॉज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है. मैं जस्ट आस्क्ड. अभी क्या टाइम हो रहा है वहां पे? क्लास विल एंड इन लाइक 40 मिनट्स, ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा बिकॉज आई हैड क्लास टिल पता नहीं वो टाइमिंग क्या थी, एक सेकंड, राइट नाउ इट इज यहाँ पे 5:40, 5:40 राइट हो रहा है. यस सर, आई हैव 5:40 मैथ्स है। क्लास. हाँ उससे पहले मैथ क्लास से तो पहले ही हो जाएगा, मैथ क्लास तो हाँ, बहुत टाइम है आपका, 6:30 को है. हाँ, 7:30 बजे ना, वो हो जाएगा। यू विल द क्लास विल एंड अराउंड एट 6:15, 6:10 में एंड कर देंगे, ठीक है। ओके प्लीज राइट दिस डाउन। एप्टेन नॉक इन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, वेपर प्रेशर्स ऑफ The two liquid components are 105.2 kilopascal, 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of the mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? मरियम बतूल, वेर आर यू फ्रॉम? यू आर ऑल्सो फ्रॉम यूपी राइट, यस सर, लखनऊ, अलीगढ़. लखनऊ। इंशा आप कहाँ से? अलीगढ़। आमना यू आर फ्रॉम समवेयर साउथ राइट, बैंगलोर वगैरह राइट। लखनऊ
आमना आप भी लखनऊ से हैं? सही सर। है। मरियम लोहानी, व्हाट अबाउट यू? सर लखनऊ। है ये लखनऊ बैच चल रहा है क्या? यूपी, यूपी बैच चल रहा है ये? अच्छा, सर वेर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम झारखंड। झारखंड पता है? झारखंड पता नहीं रहता बच्चों को। ये नहीं पता है? पता है सर आपको? लगता नहीं, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है ना। क्या वजह? आपकी उर्दू, आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। लाइक लगता है लखनऊ नवाब। बिल्कुल। हाँ ठीक है बस बस ठीक है। हेलो सवाल सर। भेजिए। नॉट नॉट बटरिंग अलीगढ़ बट रियली। में यू रिकग्नाइज वेर आई वॉज फ्रॉम? आई थॉट दैट यू स्टडी फ्रॉम AMU। नो, बट आई एम स्टडीड फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दैट इज इन दिल्ली। तो ओके। इस वजह से है। एंड दूसरी चीज ये है कि डू यू नो रामपुर? यस। रामपुर में देर इज वन मदरसा, दैट इज जामिया तो सालेहात। वहां से मेरी अम्मी पढ़ी है, तो उर्दू कम्स फ्रॉम देयर। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक ऑल माय फैमिली मेंबर्स आर क्वाइट वेल एजुकेटेड। लाइक माय ग्रैंडफादर हिमसेल्फ वाज एन इंजीनियर फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, दैट इज इन धनबाद, दैट इज नाउ एन IIT। उस टाइम बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट एन IIT, लेकिन अब वो IIT है। तो दादा वहां से पढ़े, तो इस वजह से लैंग्वेजेस फ्रॉम देयर। एंड देन स्कूलिंग में भी आई वॉज टॉट इन ए स्कूल टिल माई 8th स्टैंडर्ड, विच वॉज रन बाई पीपल फ्रॉम केरला। सो दैट हेल्प मी इन इंग्लिश जितना भी हो सके। दैट्स वाई आई ऑल्सो समटाइम्स आई फील आई हैव दैट टोन ऑफ लाइक द मलयाली टोन ऑल्सो समटाइम्स इट गेट्स देयर, बिकॉज आई वॉज टॉट टीचर्स हुआ फ्रॉम केरला। दैट इज वेरी एंड आई हैव बीन टू AMU लाइक लॉट ऑफ टाइम्स। लाइक माई ब्रदर हैज स्टडीड फ्रॉम अलीगढ़। होपफुली कल टेस्ट हुआ था। मेरी बहन भी अब इंशाल्लाह शायद 11th में हो जाए उसका, तो वो भी अलीगढ़ चली जाएगी। चलिए अब सवाल कीजिए आप लोग। असल में इंशा से हमने पूछा था ना अलीगढ़ में कहाँ से, आप चुंगी से हैं या फिर वो मेडिकल रोड से हैं? इंशा को लगा हमको पता है। हम वैसे कई बार गए हैं अलीगढ़ बहुत मरतबा। अच्छा सर, आई गॉट 73। भाई जल्दी आ गया, इतनी जल्दी नहीं आएगा आंसर। तो आपको फोटो भेजिए जरा। हाउ यू हैव डन इट? फोन तो नहीं है अभी, फोन है ही नहीं? नो इट्स विथ मम्मा। नो ये इफ इट इज नॉट एंगेज देन यू कैन सेंड इट ना, यू कैन आस्क So इफ यू she's जस्ट on वांट टू call सेंड अ with फोटो। someone. I'll ask her if she can give. हाँ ठीक है। एक थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। लाइक दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट कैप्टन नॉक इन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, मींस दे आर फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, द वेपर प्रेशर्स ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे दे आर डीलिंग विद द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स। क्या मतलब? द वेपर प्रेशर ऑफ कैप्टन एंड ऑक्टेन, 105 एंड 46.8। सो दिस इज द पी नॉट, यू हैव हेप्टेन, ठीक है? तो हेप्टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी C7 एंड H will be how much? H 14 plus 2, that is 16. H 2N plus 2 and octane will be C8, hydrogen 8 to the 16, sorry, 8 to the 16 plus 2, that will be 18. Now they have said the P naught of heptane, it is equal to how much? 105. That is the vapor pressure of the pure component, kilopascal. And for octane, the P naught of octane, it is equal to 46.8 kilopascal. ठीक है, respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram? Now they have given you the mass, that is 26 gram.
and for octane they have given you the mass. Oh, this is mass of heptane, this is mass of octane, that is given as 35 grams. Okay, now they have asked what will be the vapor pressure of a mixture. That means they are asking the P total. P total will be equal to P naught A chi A plus P naught B chi B. अच्छा, एक तो ये फॉर्मूला आपके पास सीधे रोशन लगा दी, दूसरे एक हमने बताया था आपको फॉर्मूला, बिकॉज सर आई फॉर डिडंट गेट द फॉर्म. द डिड नॉट गेट द क्लू. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. फॉर न्यूमेरिकल्स क्या फॉर्मूला था? एक हमने फास्ट फॉर्मूला लिखा था आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के लिए. पी टोटल विल बी इक्वल टू, बताइए थोड़ा इन द लास्ट लेक्चर ना, फॉर न्यूमेरिकल्स कॉपी में देख के बताइए. था ना, देर इन योर नोटबुक्स आमना इंशा मरियम लोहानी मरियम बतूल, बताइए. सर पी नॉट माइनस यस, पी वन दैट वन हाँ बताइए. वेट बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स काई टू. वेट, व्हाट? पी टोटल इज इक्वल टू ना 1 मिनट आई एक्स टू. सी अगर ये आप, ये तो आप बुक से बता रहे हैं या तो फिर आपने स्कूल नोटबुक से बता रहे हैं? हाँ फ्रॉम द स्कूल बुक. नहीं, बुक नहीं, मेरे नोट्स, लास्ट लेक्चर नहीं ओके ओके लिखा आई है क्या सी आप लोगों ने? लिखाया था ना हमने यार, ये तो है यार. देखिए, फॉर न्यूमेरिकल्स कॉपी खोली, फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए देखिए एंड में हमने क्या लिखाया था. पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस आई ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, या फिर पी नॉट ए प्लस आई बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए. कोई भी एक फॉर्मला बताइए. हाँ, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. जब बातें कर रहे थे तब तो क्लियर आ रही थी आवाज. नहीं आई सर न्यू मेरी यू तो वुड थी. ठीक ठीक इसीलिए आई वाज नॉट सेइंग. है. हाँ, आप लोग बताएं, इंशा आई मिला आपको? सॉरी, व्हाट इंशा? थिंक मेरे लिए भी अनक्लियर है. अभी ठीक है? हाउ इट नाउ, अभी ठीक है? या आई कॉट यस सर. थ्री पॉइंट और नहीं, हमको तो असल में फंडा चाहिए ना, लाइक हाउ यू हैव सॉल्व दैट दैट मैटर्स टू मी मोर. सो व्हाट इज द पी ये टोटल फॉर्मूला वगैरह बताइए ना, क्या आप यूज किया आपने? ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, फर्स्ट वाला? ओके, सो इट फाइन, ठीक है, इससे भी आ जाएगा फर्स्ट आई मार्क्स में. बट फाउंड काई ए. चाहिए, यू हैव फाउंड इट, चाहिए यस मतलब व्हाट यू हैव टेकन एज ए, हेप्टेन. चाहिए अटेन इज इक्वल टू हाउ मच? 0.456. ठीक है, सही, 0.456 दैट इज. एंड चाहिए बी, जीरो आई पॉइंट गॉट फाइव 0.845. फोर फाइव हाँ, एक सिक्स सेकेंड. यस, इंशा कह रही थी ना कुछ 0.544. 0.545. सर 0.55 आया. हाँ ठीक है, फाइन, बहुत ज्यादा. हम तो बोलेंगे इसको आप क्या ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए 0.5, सॉरी 0.46. टू डिजिट आफ्टर, टू नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज एनफ. और इसको आप क्या ले लीजिए, 0.54. ठीक है, इतना ले लीजिए, काफी है. ठीक है, तब तो ठीक आंसर आ रहा होगा फिर आप लोग का. पी नॉट ए विल बी इक्वल टू दैट मीन्स दिस इज पी नॉट ऑफ 15 इंटू काई ऑफ 15. अब देखिए, आपने तो उससे सॉल्व किया ना. अब देखिए, अगर हम लोग ना वो फॉर्मूला लगा लेते, पी टोटल इट इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ 10, ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट ऑफ 15 माइनस पी नॉट ऑफ 10. ऐसे ही कुछ रहता, टैली कीजिए जरा. ठीक नॉट बी प्लस का यस ये सर यस सर है ना, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास पी नॉट ऑफ 10 का कितना है, 46.8 किलो पास्कल में आएगा, ये हम लोग याद रखेंगे बस, है ना. यूनिट विल बी किलो पास में. मोल सर फ्रैक्शन ऑफ शुड वी 15 इज, कन्वर्ट इट. नो 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 नीड टू कन्वर्ट. आप आंसर लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या निकालना है, प्रेशर ही निकालना है ना हमको, तो किलो पास में ही निकाल लेंगे सीधा.
ठीक है, ओके सर, बस ये याद रखना है कि वी विल गोइंग टू गेट इन किलो पास्कल। टाई ऑफ 15 विल बी 4.6, पी नॉट ऑफ 15 इज 105.2 माइनस 46.8, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 46.8 एज इट इज प्लस 0.46 एज इट इज 105, 46.8 कितना आ रहा है, 58, 0.4. 58.4 सही है। अब इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर, ठीक है, तो आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, तब आएगा 46.8 प्लस दिस विल बी हाउ मच, जीरो पॉइंट फोर सिक्स मल्टीप्लाइड बाई 58.4, दिस इज 26.84, आई ट्वेंटी गॉट सिक्स पॉइंट एट ट्वेंटी सिक्स सिक्स एट ट्वेंटी सिक्स एट फाइव सिक्स पॉइंट समथिंग. फॉर दिस सेम मल्टीप्लीकेशन, यस, नहीं एक बार चेक कीजिए कहीं गलती आई होगी तो। गॉट 26.864. हाँ ठीक है, प्लस 46.8 दैट विल बी इक्वल टू, यही सेम आंसर आया आप लोग का, नहीं, आई गॉट 73 और पॉइंट 73.4. दैट्स Because फाइन। I didn't round off in the beginning, Kai A I didn't round off. हाँ ठीक है, दैट्स, बट आई होप यू कैन सी दैट, जैसे यहाँ पे ना इफ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो यहाँ पे आपके पास एक तो ये डेसिमल डेसिमल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेसिमल डेसिमल, इन वाई इफ यू आर यूजिंग द स्पेसिफिक रॉल्स लॉ फॉर न्यूमेरिकल्स, आपको बस एक बार डेसिमल डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, वहां बस टाइम सेव होगा, सब्ट्रैक्शन में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है राइट, होपफुली मल्टीप्लीकेशन में ही ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई पी नॉट एक आई, यहाँ पे पी नॉट भी आई दी, कैन यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर, जो आपके पास एक मोर फ्रैक्शन माइनस द पी नॉट ऑफ बोथ ऑफ देम आएगा, समझ में आ रही है, नहीं यस सर, समझ में आ रही है, यस ठीक सर. है आ गया ना, चलिए कॉपी की जिसका, बाय द वे हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके बारे में हम बता देते हैं, देखिए मतलब यहाँ पे स्टेप जो है ना स्किप किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ 15 इज गिवन एज 26, इसका आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 15 विल बी इक्वल टू 26 डिवाइड बाय द मोलर मास, मोलर मास कितना हो जाएगा 7 इंटू 12 प्लस 16, तो 12 16 कितना होता है 84, 84 और 16 दैट विल बी 100 है या यस, इट्स ना, 100. एंड सिमिलरली ये ऑक्टेन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन का है कितना मास दिया हुआ, 114, 114, ठीक है, नंबर 114. ऑफ मोल्स, हाँ, लेकिन 114 कैसे किया आप लोगों ने जरा बताएंगे, 114 कैसे किया आप लोगों ने, लाइक यू डिड 8 इनटू 12 प्लस 18, यस मरियम टेल मी, यस सर, वैसे ही किया था. और इंशा आपने कैसे किया सेम, ऐसे ही, ठीक या है, थोड़ा सा यहाँ पे ना हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे, होमोलोगस सीरीज याद है क्लास 5th में पढ़ा होगा आपने, पहले मीथेन मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन या है ना, तो यस इन होमोलोगस सीरीज जो डिफरेंस होता है वो CH2 का डिफरेंस होता है राइट, यस और इसका CH2 का मास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा कार्बन, तो जो आपके पास 100 था हेप्टेन का, उसके बाद ऑक्टेन आएगा, तो हेप्टेन और यू ऑक्टेन में जस्ट 14 का ऐड डिफरेंस रहेगा, फोर्टीन. ये जस्ट ऐड 14, ठीक है, मतलब जो आपने किया दैट इज ट्रू, बट थोड़ा टाइम सेव हो जाता है बस, है ना, अगर याद रहे चीजें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास जो आएगा यहाँ से, इस वक्त क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकाल लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 26 अपॉन 100 डिवाइड बाई 26 अपॉन 100 प्लस यस, ये 35 होगा ना, जिसके लिए सेकंड आप उसके कर दे 35, 35 अपॉन 114, डिड यू कैलकुलेट व्हाट इज 26, अच्छा ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया ना, ये कैलकुलेट करना यस ज्यादा ये अच्छा रहेगा, दैट विल बी बेटर, 0.26 हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल रेडी बी फॉर हेप्टेन एंड 0.26 सब्सट्रैक्टेड पॉइंट फ्रॉम सिक्स फाइव वन फ्रॉम पॉइंट फाइव ऑक्टेन. सेवन हाँ एक सेकेंड, ये 35 अपॉन 114 कितना आ रहा है, 0.3, 0.31. यस, 0.31,
है, तो 0.26 डिवाइड बाई 0.26 पॉइंट फाइव प्लस 5 7 0.7 आ जाएगा ना। और उसका टाई ऑफ ऑके निकालने के लिए क्या करेंगे, वन माइनस। माइनस ठीक है, बाकी आप लोग मरियम लोहानी एंड आमना, डिड यू हैव प्रॉब्लम हियर? आमना बताएं पहले, आमना नो सर आ गया आंसर? मरियम लोहानी व्हाट अबाउट यू, आंसर आ गया था? जी सर किया है ठीक है, ठीक कॉपी कर लीजिए। आर यू डन कॉपिंग, देन लेट मी नो। एक दो तो सवाल फिर हम PYQ से ले लेते हैं। रॉल प्लॉट से ना बहुत ज्यादा सवाल आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोगों को सवाल मिलेगा ज्यादा वो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। ठीक है, सर हेनरी स्टॉप हेनरीज लॉ के सवाल रहता है, बट उसमें एप्लीकेशन वाले ज्यादा सवाल आते हैं बस। ठीक है, एंड जो इस तरह से अभी जैसे एक सवाल है हेनरीज लॉ क्या है, आई डोंट नो वेदर वी हैव डन दिस और नॉट। जैसे दो सवाल है इसको हम देखते साथ में। हेनरीज लॉ का भी एप्लीकेशन से ज्यादा सवाल आता है। लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड इज D2। आई होप यू कैन सी दैट दिस इज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इस वजह से होता है, बताइए टेंथ का आंसर क्या होगा? चैट में लिखेगा, बोलिएगा मत प्लीज। राइट इन द चैट ABCD फॉर द टेंथ वन। ओके इंशा, यू आर फ्री टू लुक एट द नोटबुक। आई वांट यू टू लुक एट द नोटबुक एंड गिव द राइट आंसर रादर देन जस्ट गेसिंग द आंसर। आप नोटबुक में देखिए और आंसर बताइए। यस मरियम लोहानी करेक्ट। मरियम बतूल एक बार फिर से जरा नोटबुक में देखिए आप प्लीज। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, जस्ट वेटिंग फॉर आमना नाउ। ठीक है आमना सही है। मनी मधु नोटबुक में मिला आपको कहीं? यस मरियम, मरियम बतूल डिड यू गेट द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ? देखिए यस सर उसमें हाई ऑल्टीट्यूड वाला होगा, आई थिंक दैट विल बी सेकेंड एप्लीकेशन। सर सी सी सही है ना? दैट्स यस व्हाट आई सर वांट। सेकंड राइज उसके सेकंड। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। एंड दैट्स व्हाट आई वांट कि आप लोग ना राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू यूज योर नोटबुक इन ऑर्डर टू डू द आंसर्स। समटाइम्स यू विल रिमेंबर द आंसर ना, तो नोटबुक से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन इफ यू डोंट नो समथिंग ना देन लुक एट द नोटबुक रादर देन लुकिंग एट द सोल्यूशन ऑफ अ टेक्स्ट बुक। आई हाईली इनकरेज, रादर आप यही मान लीजिए कि आपको क्या करना है, सोल्यूशन नहीं देखना है, यू हैव टू लुक एट द नोटबुक, लुक एट द टॉपिक एंड एक्सट्रैक्ट द आंसर फ्रॉम दैट टॉपिक। Because at the end of this all the classes, your notebook should be your brain. Right now you have notebook. ठीक है, एग्जाम में आपके पास ये नोटबुक ब्रेन में होना चाहिए।
फ्रॉम देयर यू कैन एक्सट्रैक्ट, यू शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दी आंसर्स, ठीक है। जैसे ये एक सवाल है, एन अननोन गैस एक्स इज डिसॉल्व, ये देखिए 2023 का ही लास्ट ईयर, इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का। अननोन गैस एक्स इज डिसॉल्व इन वाटर एट 2.5 बार प्रेशर एंड हैज मोल फ्रैक्शन 0.04 इन द सॉल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड एट द सेम टेम्परेचर, बताइए आपके पास गैस को डिजोल्व किया एट 2.5 बार, है ना, तो उस टाइम मोल फ्रैक्शन कितना आया, 0.04, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड एट द सेम टेम्परेचर, 2.5 से अगर हमने इसको 5 बार कर दिया, ठीक है, उस प्रेशर पे हमने अगर डिजोल्व किया है, देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स का ये सवाल है। हाँ ठीक है मरियम, व्हाट Will it be double? हैपेंस टू द सॉल्व, हाँ डबल, व्हाट हैपेंस इफ वी लाइक, इसी वजह से तो जो सोडा बॉटल्स होते हैं, कोक होता है, उसमें भी क्या करते हैं, हाई प्रेशर में सील करते हैं, राइट, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, ये आंसर हो जाएगा इसका, इट विल बी 0.08, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी लाइक दिस, व्हाई एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल, गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, पीएच के हिसाब से आंसर आपके पास सवाल रहेगा, ठीक है। यू विल नॉट गेट टू मच क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल्स एंड हेनरीज लॉ मेबी, बट बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होता है, इसी वजह से दैट इज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी इन हेनरीज लॉ एज वेल एज ऑल्स लॉ, दैट इज व्हाई दे वांट टू आस्क कंसेप्चुअली, ठीक है, कि कंसेप्चुअली वो देखना चाहते हैं कि आपको कितना क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल को अगर आप देखिए, दिस हैज बीन आस्क्ड अ बिट अर्लियर 2020 में पूछा गया था, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 20 20, ठीक है ठीक है। आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर 140 एंड 180, ठीक है, बड़ी जरा सवाल। दूसरी चीज दैट यू विल फाइंड क्वाइट डिफरेंट अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर इज दैट एनसीईआरटी से ऐसे दे से दैट इट इज कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, बट द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड द क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन दे आर अ बिट डिफरेंट, ठीक है। तो पीवाई यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ गाइस टेल मी एनी आइडिया, विच लिक्विड हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी आर 140 एंड 180, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, नोटबुक में है ये, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था ना हमने, उसी में कराया है, देखिए जरा व्हाट इज द रिलेशनशिप इज देयर इन योर नोटबुक्स, रिलेशनशिप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द वेपर प्रेशर, नहीं मिल रहा किसी को, डिड यू गाइस गेट द बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट क्लास नहीं कराया था बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है करेक्ट है मरियम बतूल, दैट विल हैव हायर वेपर प्रेशर, जी हाँ सही है, और किसी को नहीं मिला, आमना इंशा मरियम लोहानी, डिड यू गेट द टॉपिक, नहीं हाँ ना तो बोल दे भाई, नहीं ऐसे तुक्का नहीं मारना है ना इंशा, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए, कंफर्म रहना, इंशा डिड यू गेट द टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट इन द नोटबुक, नहीं सर, नहीं मिल रहा आपको, देखिए वेपर प्रेशर के बाद ही तो तुरंत होगा, वेपर प्रेशर हमने पढ़ाया होगा कि रात में आप अगर किसी पतीली को छोड़ दें तो सुबह आपको उसके ढक्कन में पानी की बूंदें मिलेंगी, कैसे आएगा वो, पानी इवेपोरेट कर रहा होगा, उसको जस्ट बाद होगा बॉइलिंग पॉइंट, हाँ आमना ठीक है।
मरियम लोहानी, व्हाट अबाउट यू, आपको मिला? हाँ ठीक है, ओ नहीं, एक सेकंड, ये मरियम और इनका क्या नाम है, आमना एंड मरियम, आप लोग का आंसर सही नहीं है। तो मरियम लोहानी आपने तो सही लिख देख दिया, आप बताइए ना किसका पेपर प्रेशर ज्यादा होगा। रिलेशनशिप तो सही बताई आपने, पेपर प्रेशर के बारे में देख लीजिए आप। आमना आपको मिला, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे है, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप, आमना? यस सर, तो फिर आपने आंसर कैसे नहीं किया, आंसर गलत है लेकिन आपका। सेम फॉर मरियम बतूल, मरियम बतूल आपका भी आंसर गलत है। इंशा, हाउ डिड यू आंसर, कैन यू टेल मी इंशा? हाँ मरियम लोहानी अब सही है। इज इट बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस ऑफ सॉल्यूशन हाँ एयर, लिक्विड ठीक है, एयर. ठीक है सही है। फिर उससे क्या होगा बताते So the जी। intermolecular forces A and B will be weaker. हाँ तो नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, आप चले गए उधर, आपके स्कूल में हो चुका है आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल या सोल्यूशन, पॉजिटिव, इस वजह से आप उधर चले गए, लेकिन वहां का सवाल ही नहीं है ना, वो तो अलग अलग पूछा है ना आपको, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर पूछा है, मिक्सचर का वेप, अभी तो मिक्स किया ही नहीं। देखिए इन दिस क्वेश्चन, डू यू सी एनी वेयर दैट वी हैव मिक्स समथिंग, इनशा बताइए, सवाल में ऐसा लग रहा है नहीं नहीं मिक्स नहीं हुआ है ना। हाँ मरियम सही है, हाँ मरियम बताइए क्या कह रहे थे मरियम आप। सर, वो उसका लाइक इट्स 140 डिग्री, सो इट्स वॉलेटाइल, मोर वॉलेटाइल इन नेचर बिकॉज ऑफ हाँ आई यार फेल्ट सो. ये आपके पास, हमने ये लिखाया था आई थिंक यहाँ पे है, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, उल्टा भी कह सकते हो आप, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, लिक्विड्स विथ हायर वेपर प्रेशर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो इस हिसाब से क्या कह सकते हैं हम लोग, कि जो लिक्विड ए है आपके पास, जिसका वेप, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी मोर देन दैट ऑफ बी। मरियम लोहानी हाँ आपका सही है। इंशा यू गॉट, सॉरी इंशा बोल रहे हैं, आमना यू गॉट दिस? यस हाँ ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल आते हैं जनरली, इस वजह से ना बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने की, हम बहुत ज्यादा करा, देखिए हमने कराया भी नहीं था लास्ट लेक्चर में, अगर आप देखेंगे तो वी डिड नॉट डू एनी न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला वगैरह हमने बता दिया, हमने सोचा था कि एक दो सवाल आप लोग करा देंगे, उसके बाद वी विल डू डेविएशन, डेविएशन से ज्यादा सवाल आते हैं है ना, एंड डेविएशन को कंसेप्चुअली समझना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक आपके पास सवाल है, बिकॉज वैसे थोड़ा बाद में आएगा ये, लेकिन अभी भी आप इसको समझ सकते हैं एटलीस्ट, मे बी यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, बट व्हेन आई एक्सप्लेन इट यू विल बी इजली एबल टू अंडरस्टैंड इट, इसको जरा देखिए। जो द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना, सोल्यूट विल बी नॉन वोलेटाइल, देखिए एक तो ऑप्शंस भी इतने, मतलब बोर्ड ने इतने खराब ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे ना, कि मतलब आराम से आप
ठीक कर सकते हैं, है ना? यस मरियम, दैट इज करेक्ट। थोड़ा कुछ मिनट हम और रुकेंगे, फिर फंडा बताएगा। मरियम आप बताइए जरा, फंडा बताइए। वाइट इज सी, सी ऑप्शन है वैसे, बट वाइट इज सी। So, solute is non-volatile, so it can be dependent on solvent. हाँ है ना, देखिए हमारे पास रॉड्स लॉ क्या होता है, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब व्हेन दे से इट इज नॉन वोलेटाइल ना, क्या ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? क्या है नॉन वोलेटाइल? दैट मीन्स सॉल्यूट आपके पास सॉलिड है, दैट इज बाय ना ये वेपर नहीं देता, मतलब नॉन वोलेटाइल का मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू वेपर्स। इफ समथिंग इज नॉट गिविंग वेपर्स एट रूम टेम्परेचर तो पी नॉट बी क्या हो जाएगा? जीरो। एंड दिस विल बिकम नाउ पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। एंड व्हाट इज पी नॉट ए काई ए? इट इज द प्रेशर बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। मेक सेंस? हाँ या ना बताएं। इंशा, मरियम लोहानी, आमना, आवाज नहीं आ रही किसी की। Got it, sir. गॉट इट ना? ठीक है चलिए। तो देखिए आज तो कुछ ही नहीं पढ़ाया हमने, है ना? एंड सो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग को दो टॉपिक कवर करना पड़ेगा। एक तो वी हैव दैट पोर्शन जिसमें वी आर गोइंग टू हैव डेविएशन इन रॉल्स लॉ, बढ़िया से बिल्कुल, है ना, एकदम लॉजिकली। जैसे हम लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा, हेनरीज लॉ में हम लोग सिर्फ सोल्यूट को क्यों लेते हैं? बिकॉज गैस ज्यादा एस्केप करता है, लिक्विड ए और लिक्विड बी होता है रॉल्स लॉ में, तो लिक्विड ए को भी लेना पड़ेगा, लिक्विड बी को भी लेना पड़ेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वॉलेटाइल एंड बोथ ऑफ देम कैन इवेपोरेट। सो वी विल हैव द प्रेशर बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर बिकॉज ऑफ सोल्यूट, एंड जिसका ज्यादा अमाउंट होगा उसी का ज्यादा अमाउंट वेपर। बिल्कुल ऐसे कंसेप्चुअली बिल्कुल हम पढ़ेंगे, बिकॉज डेविएशन पॉजिटिव नेगेटिव एंड एक्सटेंशन ऑफ दैट इज एजियोट्रोप, उसी को वहां पे हम लोग फिर एजियोट्रोप से खत्म करेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कुछ इनिशियल पॉइंट्स हम लोग लिख के वी विल ट्राई टू स्टार्ट दी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। अगर नहीं हुआ देन दैट्स ऑल्सो फाइन, बट वी विल डू सम थिंग्स अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन जनरल, हम लोग बातें कर लेंगे कम से।